Hey guys, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से आपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइसेस के अंदर जो बुडलर है उसे अनलॉक करने के बाद जो रूट एंड टी ओडी कोड है उसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के दौरान मैं जो पोको एफ वन है इसके अंदर रूट करने वाला हूँ एंड टी ओडी कोड को इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो यही मेथड यूनिवर्सल मेथड है। सभी Xiaomi Redmi Poco डिवाइस के अंदर इसी मेथड को आप यूज़ करके आपके फ़ोन को रूट कर सकते हो, आपके फ़ोन के ऊपर टी ओडी कोड को इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सेटिंग्स में ले चलता हूँ। सेटिंग्स के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हो हम यहाँ पर ग्लोबल स्टेबल वर्जन जो है MIUI 12.0.3 उसके ऊपर रनिंग कर रहा हूँ एंड इसके अंदर हमने जो बुटलॉर है इस फ़ोन का इसे ऑलरेडी अनलॉक कर लिया है। किस तरह से बुटलॉर को अनलॉक करते हैं अपने Xiaomi डिवाइस के, Redmi डिवाइस के, Poco डिवाइस के, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे देख पा रहे हो हमारा जो फोन है, फोन का जो बुटलॉर है ऑलरेडी हमने अनलॉक करके रखा है एंड इस प्रोसेस के अंदर अगर आप रूट करना चाहते हो, टी ओडी कोड को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइस के अंदर, तो आपको कोई भी डेटा जो है आपका डिलीट नहीं होगा, कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो सिंपली आपके पास जो डिवाइस होगा दोस्तों उसके अंदर बुटलॉर अनलॉक होना चाहिए पहले से, वरना आप दोस्तों अपने फ़ोन को रूट और टी ओडी कोड को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर ऑलरेडी बुटलॉर अनलॉक है, तो हम जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास एक पीसी होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। इस मेथड के साथ आप जो रूट है उससे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो विदाउट पीसी दोस्तों आप रूट और टी ओडी कोड को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अपने डिवाइसेस के अंदर। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाना होगा। फास्ट बूट मोड के लेने के लिए पावर बटन को प्रेस कीजिए एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखिए 5 to 6 सेकेंड। उसके बाद आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो फास्ट बूट मोड के अंदर चला जाना चाहिए। ऐसे देख पड़ो हमारा जो फास्ट बूट मोड के अंदर हमारा जो फ़ोन है यहाँ पर चला गया है। तो सिंपली फास्ट बूट मोड के अंदर जाने के बाद आपको पीसी के अंदर जाना होगा दोस्तों। पीसी के अंदर कुछ एप्लीकेशन है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा, जिसके साथ आप दोस्तों जो रूट है उससे आप अप्लाई कर पाओगे। सिंपली हमारा जो फ़ोन है फ़ोन को यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए पा रहे हो यहाँ पर हमारा जो फ़ोन है कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो पोको फोन है उसके लिए आपको जो रूट फाइल एंड टी ओडी रिकवरी का जो फाइल है उसे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है तो आप सिंपली दोस्तों उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए जो टी ओडी रिकवरी फाइल है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल के अंदर से। देखिए पा रहा हूँ यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर मैं 7 फाइल शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर सभी फाइल का आपके पास ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ फाइल को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो बाद में। जैसे कि अगर आपको एडीबी सेटअप के साथ अगर आप करते हो, एडीबी को यूज़ करते हो, तो आप पहले वाला जा सकते हो। अगर आप चाहो तो प्लेटफॉर्म टूल की यूज़ कर सकते हो और जो मिनिमल एडीबी फास्ट बूट ड्राइवर है उसे भी यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो मैं मिनिमल एडीबी फास्ट बूट है इसके साथ दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो प्लेटफॉर्म टूल और एडीबी सेटअप को भी यूज़ करके देख सकते हो। सिंपली आपको जो जिप फाइल है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस जिप फाइल का जो लिंक है लगभग 60 MB के आसपास है, इसे आपको ये डाउनलोड करना होगा आपके फ़ोन के ऊपर एंड उसके बाद आपको जो मिनिमल एडीबी का जो एक्स फाइल है उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद मिनिमल एडीबी जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सो आपको कुछ कमांड्स को रन करना होगा अपने फ़ोन के ऊपर रूट को इंस्टॉल करने के लिए। सो सिंपली सबसे पहले आपको जो टी ओडी कोड फाइल है उसे आपको कॉपी करना होगा। उसके बाद जो मिनिमल एडीबी का जो लोकेशन फाइल है वहाँ पर जाकर आपको पेस्ट कर देना होगा। ऐसे देख पा रहे हो जो टी ओडी कोड का है हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। इसके देख पा रहे हो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टैप करना होगा। सो मिनिमल एडीबी फास्ट बूट के अंदर जो टी ओडी कोड फाइल है जो .img वाला फाइल है उसे आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपके फ़ोन को जो है उसे फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना होगा। फास्ट बूट सीपीयू के साथ कनेक्ट कर लीजिए, सीपीयू क्या भाई साहब यूएसबी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए फास्ट बूट डिवाइसेस। तो यहाँ पर फास्ट बूट डिवाइस में कमेंट करने के बाद मतलब फास्ट बूट डिवाइस लिखने के बाद आपको जो फास्ट बूट डिवाइसेस है वो दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए पा रहे हो हमारा जो फ़ोन है यहाँ पर दिखा चुका है। तो सिंपली यहाँ पर टाइप करना होगा नेक्स्ट कमांड फास्ट बूट बूट स्पेस यहाँ पर जो टी ओडी कोड का फाइल है इसे हम यहाँ से कॉपी करना होगा। देखिए पा रहे हो जो टी ओडी कोड का फाइल है इसे हमने यहाँ पर राइट क्लिक करके रीनेम में जाके कॉपी ऑल कर लेते हैं। उसके बाद यही पूरा जो नेम है टी ओडी कोड का .img के साथ यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सिंपली पेस्ट होने के बाद आपका जो फ़ोन है दोस्तों टी ओडी कोड के अंदर बूट हो जाएगा। ये जो टी ओडी कोड पहला वाला बूट हुआ है ये दोस्तों परमानेंटली नहीं है। आपको दोस्तों इसके बाद परमानेंटली टी ओडी कोड को फ्लैश करना होगा। उसे किस तरह से करते हो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो यहाँ पर सिंपली जो है आपके फ़ोन के ऊपर आपने जो टी ओडी कोड है उसे तो इंस्टॉल कर लिया, बट आपको यहाँ पर परमानेंट करना होगा। इस स्क्रीन के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कीप रीड ओनली में टैप करना होगा। उसके बाद रीड ओनली में टैप करने के बाद आपको जाना होगा इंस्टॉल के अंदर। इंस्टॉल के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपका जो फ़ोन है फ़ोन के अंदर जो टी ओडी कोड फाइल है जो मैजिक्स फाइल है उसे कॉपी कर लीजिए अपने पीसी के अंदर से। सिंपली हमारा जो फ़ोन है फ़ोन को हम कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो हमारा जो फ़ोन लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो फोल्डर के अंदर मैजिक्स के फाइल है टी ओडी कोड फाइल इसे आपको कॉपी करना होगा अपने फ़ोन के अंदर, क्योंकि
इसकी ज़रूरत है। अभी आपका जो फ़ोन है, फ़ोन के साथ आपको जो टीरो रिकॉर्डिंग फाइल है एंड जो मैजिक फाइल है उसे आपको इंस्टॉल करना होगा। देखिए बारो यहाँ पर कॉपी हो चुका है, कॉपी होने के बाद आपको जाना होगा इंस्टॉल के अंदर। उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर आपने किया है उस फोल्डर के अंदर जाके सबसे पहले आपको जो TWR रिकवरी है उसे आपको परमानेंट करना होगा। इसके लिए आपको इमेज फाइल में टैप करके एज इमेज सिलेक्ट करके रिकवरी सिलेक्ट करके आपको स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। तो आपको इंस्टॉल इमेज में जाके आपको TWR रिकवरी का जो इमेज फाइल उसे फ्लैश करना होगा। उसके बाद आपको रिबूट टू रिकवरी कर लेना होगा। रिबूट टू रिकवरी करने के बाद आपका जो TWR रिकवरी है आपने परमानेंटली इंस्टॉल कर लिया है, बट अभी भी आपके पास जो रूट एक्सेस है नहीं है। अभी आपको रूट एक्सेस को भी डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर विदाउट रूट कोई भी काम का नहीं है। अगर रूट यूज़ करना चाहते हो तो रूट का एक्सेस पाना चाहते हो तो हमारा जो TWR रिकवरी यहाँ पर बूट हो रहा है। बूट होने के बाद आपको सबसे पहले जो मैजिक एस का जिप फाइल है उसे आपको फ्लैश कर देना होगा। ऐसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मैजिक एस का जो जिप फाइल है हमने यहाँ पर स्वाइप करके फ्लैश कर दिया है। मैजिक एस का जो जिप फाइल है इसे फ्लैश होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए आप वेट कर सकते हो। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाना मत भूलना। एंड मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एज वेल दोस्तों, सभी जो डाउनलोड है आपको एक zip फाइल करके मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड जो अनलॉकिंग टूल है, बुटलॉर अनलॉकिंग का जो टूल है उसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाके आप जो zip फाइल उसे डाउनलोड कीजिए। हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर जाके हमारे को फॉलो करना मत भूलना। फ्लैशिंग होने के बाद दोस्तों आपको जो फोर्स इंक्रिप्शन फाइल है उसे आपको डिसेबल करना होगा, तो इस zip को भी फ्लैश कर दीजिएगा। फ्लैश होने के बाद आपको रिबूट सिस्टम में टैप कर देना होगा। उसके बाद पहला जो बूट होगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा भाई सब। एंड फास्ट बूट होने के बाद दोस्तों देखिए एक बार हमारा जो फोन है फास्ट बूट हो चुका है, बट अभी जो मैजिक एस के फाइल है प्रॉपर हमारे फोन के ऊपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी हमें क्या करना होगा, हमारे को जो मैजिक एस के फाइल है उसे प्रॉपरली इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए हमने जो मैजिक एस का APK फाइल है ऑलरेडी zip के अंदर डाल के रखा था, सो मैजिक एस का जो APK फाइल है उसे हमें अभी इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर जो मैजिक एस्के का APK फाइल है उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड इसी APK फाइल के थ्रू हमारे पास जो रूट एक्सेस है वो हमें देखने को मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी जो है TWR रिकवरी को परमानेंट कर लिया है, TWR रिकवरी को इंस्टॉल कर लिया है हमारे फोन के ऊपर। अभी हम जो रूट एक्सेस है उसे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो सिंपली जो मैजिक एस्के का APK फाइल है उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन के ऊपर। एंड इंस्टॉल करने के बाद बूम, आपने अपने अपने Xiaomi Redmi Poco डिवाइस के अंदर सक्सेसफुली जो है रूट कर लिया है एंड सक्सेसफुली TWR रिकवरी को भी इंस्टॉल कर लिया है। सो अब इसी मेथड के साथ कोई भी Xiaomi Redmi Poco डिवाइस के अंदर रूट कर सकते हो, आप TWR रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड काफ़ी इजी मेथड है दोस्तों, इसके लिए आपको PC की ज़रूरत होगी, विदाउट PC आप इसे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो विदाउट PC ये चीज़ नहीं होता है। एंड देखिए पा रहे हो हमारे पास जो है ये जो डिवाइस है पोको F1 है एज वेल MIUI 12.0.3 के ऊपर हमने रूट कर लिया है, TWR रिकवरी को भी इंस्टॉल कर लिया है। होपफुली दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। चलो बाय।